जसटीवी देख रहे तुसी, मैं केपी सिंह। अज दा मुद्दा वे तुहाडा सब दा स्वागत करदा। अज मुद्दा विद्या दा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ देश दीआं चोटी दीआं यूनिवर्सिटियों विच शुमार है। तो इस यूनिवर्सिटी तो बहुत वड्डे नाम पढ़ के बड़े उच्च अहुदिआं ते पहुंचे। उन्हां दा जिक्र आ जिहड़ा समें समें ते हुंदा रहिंदा। तो इस यूनिवर्सिटी दा तअल्लुक अनवंडे भारत नाल भी बहुत ज़्यादा, लाहौर नाल भी तअल्लुक है। पंजाब पंजाबीयत दे सभ्याचार दा यह मुजस्मा इस नूं कहा जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नूं एक सदी तो वध दा इतिहास है जिहड़ा वो याद करता है। तो इस इतिहास के विचाले पंजाब दी मिट्टी की खुशबू है जिहड़ी वो हमेशा चेते रखी जाती है। पर जिवें संघी ढांचे ते वार वार हमले हो रहे हैं, उवें पंजाब यूनिवर्सिटी के वकार ते भी सवाल खड़े हो गए हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का अधिकार खेत्र है वो घट करने की कोशिश की जा रही है, फंडा की घाट है। इस दे विचाले जिहड़ी कोई कमेटी बनाई जा रही है, गवर्नर रिफॉर्म्स कमेटी, उस दे नाल इस जिहड़े लोकतांत्रिक ढांचे है, लोकतांत्रिक प्रणाली, उस नूं सट मारन की कोशिश है। इस पूरे मुद्दे ते सियासत तपी हुई है। तो इस पूरे मुद्दे नूं समझने की जरूरत है कि है, तो समझा इस तरीके नाल जाएगा कि किते पंजाब यूनिवर्सिटी उच्चों पंजाब मनफी तो नहीं किया जा रहा। असीं वड्डा सवाल इक्को पुछांगे कि पीयू नूं पंजाब तो खोहण की साजिश तां पॉइंटर फटाफट समझ लिए। तो उस तो बाद खास मेहमान साडा मौजूद होण के अज दा मुद्दा पंजाब यूनिवर्सिटी ते पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की है वो तुहानू समझाउण दी कोशिश करांगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के मौजूदा सरूप में बदलाव के मुद्दे से सियासत पूरी तरह तपी हुई है। कोई बयानबाजियां कर रहा है तो कोई उत्थे जाके प्रोटेस्ट करता पाया। खेतरी अधिकार अते पंजाब की हिस्सेदारी घटाउण दे इल्जाम लग रहे हैं। तो इन्हां इल्जामां दे विचाले मालवा पट्टी के कई कॉलेजों नूं पंजाब यूनिवर्सिटी तो अड करन दे खदशे आ जिहड़े प्रगटाए जा रहे हैं, जिंदे विच फिरोजपुर मुक्तसर जिथे पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजस है उन्हां दा सवाल खड़ा हो रहा है। तो रोपड़ ते मोहाली तक इसनों सीमित करने की कोशिश की जा रही है, यह भी सवाल उठ रहा है। सैनेट और सिंडीकेट चोण मसले ते अदालत तो सियासत तक सवाल उठते पे है। सैनेट दीआं चोणां क्यों टालियां जा रही हैं, करोना का बहाना बना के जां करोना की वजह दस के? तो सवाल यह है, करोना का बहाना बनाया जा रहा है, यह सारे सवाल पूछने लाजमी है। पंजाब सरकार अते केंद्र सरकार ते फ्रेंडली मैच खेडण दे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि दोस्ताना मैच है, तो इहदे विच पंजाब सरकार ने विरोध नहीं जताया, यह भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उप कुलपति दीआं मनमर्जियां ते यूनिवर्सिटी के अंदरों भी बागी सुर उठ रहे हैं। उप कुलपति मनमर्जियां कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदरों भी एक बागी सुर उठते पे है। तो कुछ जिहड़े प्रोफेसर वह भी रोह प्रगटा रहे हैं, कई कैमरे अगे नहीं आ रहे। तो सवाल यह भी है कि यूथ अकाली दल ने पंजाब यूनिवर्सिटी में मुजहरा कर रोस प्रगटाया। आम आदमी पार्टी ने भी सूबा सरकार ते केंद्र सरकार लंबे हत्थी लिया, कहिंदे आने समय में असीं रोस भी तेज करांगे। बहुत सारे सवाल है, इन सवालों का जवाब लवांगे। बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर मुहम्मद खालिद, जिन्हों का बहुत लंबा तजर्बा यूनिवर्सिटी दे विच जिहड़ी पोलीटिकल साइंस की फैकल्टी है उस दी अगवाई करते हैं। मुहम्मद खालिद इन्हों देश की सियासत बारे, पछमी सियासत बारे, होर सारी सियासत बारे सब कुछ पता, पर यूनिवर्सिटी सियासत बारे ये सब तो ज़्यादा बेहतर तरीके दस सकते हैं कि उत्थे वर्किंग है। मुहम्मद खालिद साहब, बहुत स्वागत है सर तुहाडा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मुहम्मद खालिद साहब, पहला सवाल यही है सर, जिहड़ा सत्थां दे विच गूंजदा पिया, पीयू नूं पंजाब तो खोहण की साजिश रची जा रही है, तुसीं इस नाल इत्तेफाक रखते हो? देखो केपी जी, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब दी हुण वी नहीं है। तुसी कह रहे हो खोहण दी गल हो रही है, तुहानूं मैं दसदा कि पंजाब यूनिवर्सिटी हौली हौली पंजाब तो खिसकदी गई है और खिसकदी जा रही है। और अगर गवर्नेंस रिफॉर्म्स दा वो आस्पेक्ट, असी गवर्नेंस रिफॉर्म्स असी भी चाहुंदे आ कि होने चाहिए हैं, लेकिन वो गवर्नेंस रिफॉर्म जिहड़े डेमोक्रेटिक ना हो, जिहड़े पंजाब दे हितां दे अगेंस्ट होण, असी उहदी प्रोड़ता नहीं करदे, असी उहनूं समर्थन नहीं करदे, असी उहदी विरोधता करांगे। हुण सवाल इह हैगा कि पंजाब दा, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब दी किवें नहीं है। तुहानूं मैं दसदा 1966 दे विच जिस वेले पंजाब पंजाबी सूबा बनया और यूटी बनया चंडीगढ़, उस वेले यह फैसला होया कि साडी जिहड़ी फंडिंग है वह 60% केंद्र सरकार ते 40% पंजाब तो आऊगी जी। और पंजाब केंद्र सरकार तो 60% थ्रू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन साड़ी बजट का पार्ट सेगा, लेकिन हौली हौली की किया, पंजाब ने कहा कि असी तो जी तुहानू पैसे दे नहीं सकते, और यह कहता कि असी तो 16-17 करोड़ रुपया दे सकते हैं, जिहड़े बाकी यूनिवर्सिटियां दिंदे आ साड़े तो कुछ ना पा लो। पंजाब यूनिवर्सिटी इकनोमिक क्राइसिस आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वेले सरकार, असी क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं उस वेले मैं
पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का मेरा ख्याल है सैकटरी या कुछ था या ट्रेजर, असी डॉक्टर मनमोहन सिंह मिले, उन्होंने कहा कि फाइनैंशियल क्राइसिस साडा बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने एक कमेटी बनाई, कैबिनेट कमेटी, वो कमेटी ने इतने विजिट किया MHRD की, और फंडिंग का एक पैटर्न होया। फंडिंग का पैटर्न की होया कि साडा जिहड़ा टोटल डेफिसिट होएगा पंजाब यूनिवर्सिटी का, उहदे विचों जिहड़ा असी कमा लैंदे आ फीसा राही या पंजाब गवर्नमेंट जिहड़ा दिंदी है 16-20 करोड़, इस वेले मेरे ख्याल 20-22 करोड़ दे रही है जी, जबकि 500 करोड़ का बजट है, ते बाकी का पैसा जिहड़ा हैगा वह केंद्र देगा। इहदा मतलब है केंद्र तो असी तकरीबन 90% 95% पैसा केंद्र तो आना शुरू हो गया। अज की दिहाड़ी दे विच अगर आप देखिए तो वह सारा पैसा केंद्र तो आ रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि पंजाब गवर्नमेंट जी हैगी है वह सिर्फ तुहानू 20-22 करोड़ रुपया दे दिंदी है, वह भी पूरी घीसी करके 20 चक्कर लवा के रजिस्ट्रार दे तां दिंदी है। तो पंजाब तो पहला ही पंजाब यूनिवर्सिटी तो दूर हुंदा चला गया। यानी कि असी ये मन के चलिए खालिद साहब के पंजाब सरकार खुद इस मामले की दोषी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी तो उन्होंने अधिकार है कटिया। खालिद साहब तुम ये कहना चाह रहे हो? देखो देखो गल हैगी है जिहड़ा पैसा दिंदा है वह कंट्रोल भी करना चाहुंदा है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है पूरा तकरीबन 90% तो ज्यादा, जिहड़ा कि कोर्ट दे विच भी साडा केस यही है एम्पलॉइज का कि सानू क्योंकि 90% तो ज्यादा ग्रांट पंजाब सेंटर तो आ रही है, इस करके सानू सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन बनाया जाए ताकि बाकी फंडिंग जी है रिसर्च वास्ते वह भी हो। हुण मैं तुहानू दसदा कि जिस वेले पंजाब की इत्थे वो तो है नुमाइंदगी है जिवें कि 2 MLA पंजाब विधानसभा चुन के भेजदी है, पंजाब दे जिहड़े 3-3.5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो एफिलिएटेड हैं, उत्थे दे प्रिंसीपल उत्थे दे कॉलेज टीचर्स वो सारे सैनेट ते नुमाइंदगी करते हैं, वो चीज वो जिहड़ी हैगी है उस चीज़ के उपर जिहड़ी गवर्नेंस रिफॉर्म कह रही है कि तुसी अबोर फाजिलका और जिहड़े दूर दे इलाके आ उन्हां नूं डिसएफिलिएट करके होर यूनिवर्सिटियां नाल ला दिओ, और मोहाली ते रोपड़ वगैरह पंजाब यूनिवर्सिटी नाल ला लिओ क्योंकि जोग्राफिकली नाल लगते एरियाज हैं, उस चीज़ की विरोधता हो रही है और होएगी भी। कोई भी कॉलेज पंजाब का चाहे किड्डे ही दूर होवे वह पंजाब यूनिवर्सिटी का टैग जिहड़ा हैगा वह छड्डना नहीं चाहेगा क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के नाल जुड़े रहना अपने आप दे विच बड़ी प्रेस्टीजियस गल है। नहीं खालिद साहब एक चीज़ मैं समझाओ सर, जी रिफॉर्म्स की हो जाएंगे सर जे तुसी फाजिलका मुक्तसर अबोहर नूं पासे कर दोगे रोपड़ नूं शामिल कर लोगे सर इन्हां रिफॉर्म्स हो जाएंगे कि केड़ी केड़ी नहीं, नहीं, नहीं। केपीजी आई थिंक ये जड़ा आस्पेक्ट है ना रिफॉर्म्स दा, ये एक सजेशन है जिहड़ी कि दित्ती गई है जिहड़ी कि एक्सेप्ट होवे या ना होवे अलग गल है। असी जिहड़ी रिफॉर्म की गल कर रहे हैं असी खुद असी पूटा पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसीएशन वालों जब मैं प्रेजिडेंट सीगा या मैं सैक्रेटरी सीगा असी लिख के भेजा कि रिफॉर्म होने चाहिए। रिफॉर्म किवें होने चाहिए मैं तुहानू दसदा कि पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच जिहड़ा सैनेट दे मैंबर है वो 4 फैकल्टियां के मैंबर बनते हैं, और जबकि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इन्नी मेहनत करके प्रोफेसर बनता है वो 1 फैकल्टी का मैंबर होंगे, 4 फैकल्टियां का मैंबर है कि 4 जगह नहीं बल्कि कई जगह उसकी वोटिंग पावर आ जाती है। हुण वो बंदा जिहड़ा पंजाब सिर्फ राजनीति करता है पंजाब यूनिवर्सिटी के विच आ गए एकेडेमिक्स नाल उहदा एड्डा दखल नहीं है, वह बंदे जिहड़े हैगे वह इत्थे आ के सैनेट के विच जिहड़ी पॉलिटिक्स करते हैं उहदे रिफॉर्म्स की लोड़ है। हुण साडा जिहड़ा डीन हुंदा है डीन इत्थे इलैक्ट हुंदा है जी, किसी भी यूनिवर्सिटी के विच इलैक्ट नहीं होंदा डीन हमेशा सीनियोरिटी ते होंदा जिहड़ा सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होवे, इत्थे डीन दी इलैक्शन हुंदी है जिहदे कोल 4 वोटां हैगियां, जिहड़ा 4 वोटां इकट्ठियां कर सकदा है सैनेटर है वह डीन बन के बह जांदा और बार बार बनी जांदा है। इस तरह के रिफॉर्म्स दी असीं गल कीती सीगी, इह गल नहीं कीती सीगी कि तुसीं जियोग्राफिकली भी रीएलोकेशन कर दो कॉलेजेस दी। चलो मैं छोटा ब्रेक लैके सर वापस आऊँगा। सैनेट विच भी डॉक्टर मुहम्मद खालिद की बहुत हिस्सेदारी रहिंदी है, सैनेट जिहड़ियां चोणां हुंदियां पर सैनेट ते सिंडीकेट का मामला है की है, ये कहिंदे आ कि केंद्र सरकार की फंडिंग वधदी जा रही है ते जिंदी फंडिंग वधदी होवे ते उह चाहुंदा कि मैं उन्ते अधिकार जमावां, अधिकार पंजाब का रहेगा कि नहीं रहेगा, सवाल यही है। तो मुहम्मद खालिद कह रही है अधिकार तो पंजाब का पहला ही खोया जा चुका बहुत हद तक, वापस आ के सारे सवाल होंगे जरूर। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं, डॉक्टर मुहम्मद खालिद साडे नाल मौजूद है। मुहम्मद खालिद साहब तुसीं चाहुंदे हो कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिता जाए पंजाब यूनिवर्सिटी नूं? असीं बड़ी देर तो इस चीज़ की मंग कर रहे हैं कि इहनूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ या सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन डिकलेयर करो, इस करके करो ताकि इस यूनिवर्सिटी की जिहड़ी फंडिंग है उहनूं रेगूलेट किया जा सके। देखो KP जी तनखाहां जिहड़ियां हैगियां एक आस्पैक्ट हुंदा, दूसरा आस्पैक्ट है रिसर्च का,
यूनिवर्सिटी टीचिंग ते रिसर्च दोनों वास्ते होंदी है, कल्ली टीचिंग वास्ते नहीं होंदी, उहदे वास्ते तां कॉलेजेस बहुत है। रिसर्च वास्ते फंडिंग दी लोड़ होंदी है, फंडिंग नहीं आ रही है जिहदी वजह करके अपकीप यूनिवर्सिटी दीआं बिल्डिंगां किन्नियां पुरानियां हो चुकियां हैं, और जिहड़ियां पुरानियां बिल्डिंग्स है उहनां दी देख रेख वास्ते पैसा, बिजली का होर किन्ना क्राइसिस हैगा, वो सारे चीज वास्ते असी क्या एक लंबी डिमांड हैगी है, या इनू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ या सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करो सिर्फ फंडिंग दे पर्पस दी वजह करके। एक बार बादल साहब ने चिट्ठी लिख भी दी थी सेंटर नू, डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले, लेकिन फिर चिट्ठी वापस ले लेती गई थी। साडा एक लंबा चौड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसीएशन का एजिटेशन चलिया सीगा, यह कहा गया सीगा कि अगर यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन भी जाती है तो इहदा जिहड़ा स्ट्रक्चर है उहदे विच कोई चेंज ना की जाए, फंडिंग ऑफकोर्स जिहड़ी हैगी आ केंद्र दी आउणी आ जाए, लेकिन उस चीज़ की एक्सैप्टेबिलिटी नहीं हुई सीगी। नहीं खालिद साहब, जे फंडिंग सर सारी तुसीं कह रहे हो 90-95% पहले ही उत्थों हो रही है, जे तुसीं हुण भी डिमांड कर रहे हो कि फंडिंग के मसले करके जिहड़ा विद्यक ढांचा वह विगड़ता जा रहा है, चाहे वह रिसर्च का हिस्सा है, चाहे उनकी बिल्डिंग का हिस्सा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, सारा कुछ। खालिद साहब, पंजाब के लोग उन्हां कोल एक सुनेहा जा रहा है कि पंजाब नूं आउट किया जा रहा है, पंजाब का अधिकार उनके विचों मनफी किया जा रहा है। खालिद साहब, उन्हें एड्रेस किवें करोगे सर? तुहाडा तां फंडिंग दा मसला सर। मैं दसदा क्यों है, गल इह है कि इस वेले 93 या 94 मैंबरां दी सैनेट है जी, उह सैनेट दे विच चीफ मिनिस्टर पंजाब, एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब, डीपीआई कॉलेजेस पंजाब, सिंडीकेट ते सैनेट दे विच, ते अपने इह एक्स ऑफिशियो मैंबर है अपने चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इसे तरीके दे नाल एडमिनिस्ट्रेटर जिहड़ा हैगा चंडीगढ़ दा, इह एक्स ऑफिशियो मैंबर ने। किसी भी वेले पंजाब दे विच 60-65 बंदियां तों वध बंदे सैनेट दी मीटिंग अटेंड नहीं करदे, 95-93 दा तां मतलब भी कोई नहीं है। मैं भी 10 साल सैनेट दे विच मैंबर रहा, मैं भी सिंडीकेट दे विच रहा जी, ते मैनूं पता है। दूसरी गल हैगी है कि पंजाब दे विच जिहड़ा सुनेहा क्यों जा रहा है, वह इस करके जा रहा है कि सैनेट की गिनती घटा के जिहड़ी प्रपोज की गई है वह हैगी है कि 47-48 बंदे जिहड़े हैगे सैनेटर होने चाहिए हैं, जिहदे विच जिहड़े कॉलेज के प्रिंसीपल्स हैं पंजाब के उन्हां दी नुमाइंदगी भी घटेगी, जिहड़े कॉलेजिज़ के टीचर्स हैं उन्हां दी भी नुमाइंदगी घटेगी, नैचुरली गल है। तो उहदी वजह करके यह सुनेहा जा रहा है कि पंजाब दे विच कि क्योंकि सारी नुमाइंदगी सैनेट के उपर घट जानी है, और सिंडीकेट भी वह कहते जी है उन्होंने भी स्लैश किया जा रहा, घट किया जा रहा, तो उहदे नाल पंजाब दे विच एक खदशा जाहिर किया जा रहा है जिहड़ा कि काफ़ी हद तक सही भी है कि नुमाइंदगी जी है पंजाब की घट जानी है। हाँ, अगर असं यह भी कहने कि यदा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जिहड़ा कि कुछ ही यूनिवर्सिटियां ने इंडिया के जिन्हों का इस तरह डेमोक्रेटिकली इलैक्ट होंगी है, ये 32-33 मैंबर जिहड़े हैगे है वह चांसलर नॉमीनेट करता है सैनेट के, बाकी दे इलैक्टेड होंगे हैं, तो वह जो 32-33 मैंबर हैं आम तौर पर उस पोलीटिकल पार्टी या उन्होंने समर्थक होंगे हैं जिन्हों उ चांसलर यानी कि वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया चाहता है, और अनफेटरड पावरस हैं वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दिनों मर्जी नॉमीनेट करे, वो नॉमीनेशन करवा के आ जाते हैं, बाकी दे इलैक्टेड है। अगर इलैक्टेड अगर टोटल सैनेट की मैंबरशिप घट जाती है तो नैचुरली इलैक्टेड मैंबर भी घटनगे, इलैक्टेड मैंबर कितों आने हैं मैक्सीमम उधरों आने हैं पंजाब दे विचों, और दूसरे जी एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसे 15 मैंबर होंगे हैं उन्होंने ये कहा जाता है भी इन्हें खत्म किया जाए ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, पता नहीं कि एक्चुअल उत्थे गवर्नेंस रिफॉर्म वालों रिपोर्ट गई है, लेकिन जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के मैंबरस है उन्होंने तादाद 15 या घटाई जाए, क्योंकि देखो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी अज तो 100 साल पहला, उस वेले ग्रेजुएट टामे टामे होंगे सके, अज हुण लखां दी तादाद दे विच ग्रेजुएट है, और यह बहुत वड्डी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 6-7 स्टेटां दे विच होई हुई है खिड़ी हुई है, उन्हां दी जिहड़ा हैगी है इलैक्शन अपने आप दे विच ही बहुत वड्डा, उहदे विच जिहड़ियां धांधलियां होंदियां उह सारा कुछ भी पार्ट है, इस करके अक्सर सहमति है पर सैकड़ बीसियों बाद डिस्कशन हो चुके हैं सैनेट दे अंदर भी कि किस तरीके दे नाल ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी दा रिफॉर्म किया जावे, इस सारे खदशे जिहड़े हैगे सामने हैं साडे। सर, सैनेट दी इलेक्शन क्यों टालियां जा रही हैं सर? देखो सैनेट दी इलेक्शन जिहड़े हैगे पहला तो क्या जी कि कोविड की वजह करके इलेक्शन नहीं हो सकती,
फिर कोर्ट के विच गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं जी इलेक्शन होनी चाहिए है। उसके बाद सैकेंड वेव आ गई, सैकेंड वेव के विच फिर जिहड़े बंदे कोर्ट च गए सीगे उन्हां दे वकील ने खुद ही कहता कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकते। आपां हुण गल हैगी है जिहड़ी ग्रेजुएट कंस्टीट्यूएंसी है उहदे वोटर जिहड़े हैगे है 5-6 स्टेट्स के विच खिंडे हुए हैं, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, यूटी, इन्हां सारे स्टेटां दे दियां जिहड़ियां सरकारां हैं उन्हां तों यूनिवर्सिटी ने पुछा कि भाई साहब तुसीं सानूं इलेक्शन होण देण नहीं दिओ क्योंकि उन्होंने उत्थे पोलिंग बूथ वगैरह सैट करने हैं, उन्होंने ना करती, कई ने हाँ करके ना करती। लेकिन ये जिहड़ी चीज़ है इलेक्शन जल्दी तो जल्दी होना चाहिए, ये पक्का है, लेकिन किस तरह की सैनेट होनी चाहिए ये भी बड़ी जल्दी फैसला होना चाहिए। नहीं खाली साहब, वैसट बंगाल दे विच सर कोविड नहीं हैगा सीगा जो तो कोविड के दौरान इलेक्शन होया वैसट बंगाल दे विच। खाली साहब, खाली साहब मैं इस करके सवाल कर रहा खाली साहब तुहानू, तकरीबन अगस्त सितंबर अक्तूबर के दिनों दे विच इलेक्शन हो जाने चाहिए सीगे, सितंबर अक्तूबर नवंबर आप दिसंबर तक मान लीए चलो, जे मैं तुहाडी गल भी मान के अगे तुरूंगा खाली साहब। सर इहदे विच करोना बहाना बनाया गया, मैनू ये थोड़ा साफ कर दो खाली साहब। बिल्कुल बहाना बनाया गया, इहदे विच कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिथे जिथे जिस जिस पार्टी की सरकार है उथे तुसी कुछ मर्जी मैनिपुलेशन हो सकती है। उथे पोलिटिकल पार्टी जिन्हां दी सरकार है या जिहड़े बंदे उथे ज्यादा इनफ्लुएंस रखते हैं उन्होंने चाहिए सीगा या उन्होंने सरकार चाहिए था कि जल्दी तो जल्दी क्लीयरेंस देन, उन्होंने अज तक क्लीयरेंस नहीं दिती है ईवन टूडे। हालांकि हाईकोर्ट ने 16 तरीक नूं कहा कि तुसी शेड्यूल साडे सामने लियाओ इलेक्शन दी, अगर उस दिन पंजाब यूनिवर्सिटी कह दिंदी है कि लो जी शेड्यूल तुहाडे सामने है लेकिन जिहड़ियां स्टेट्स हैगियां उन्होंने सानूं अनुमति नहीं दिती अज तक तां तुसी की करोगे। सर 16 कि 19 है सर हाईकोर्ट दी तरीक? 16 है मेरा ख्याल है। चलो ठीक ठीक है, चलो जिहड़ी भी तरीक हैगी है, पर सवाल यह हैगा सर कोर्ट नूं ही क्यों दखल देना पै रहा सर? सवाल तो यह है खाली साहब, मैं दसदा इलेक्शन यूनिवर्सिटी नूं खुद ही कर देना चाहिए सीगा। क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस कदे बंद नहीं होना चाहिए। उस वेले वाकई सिचुएशन खराब थी लेकिन जिस वेले सिचुएशन इंप्रूव हुई है बाकी जगह ते इलेक्शन जिवें तुसीं कहा होए हैं आपां सब नूं पता है इत्थे भी इलेक्शन हो जाना चाहिए सीगे। लेकिन मीनवाइल चांसलर ने एक गवर्नेंस रिफॉर्म की कमेटी बनाई और इस कमेटी दीआं रेकमेंडेशन डिले हुंदीआं गईआं, हुण थोड़ा जिहा दिन पहलां गईआं। हुण मैनूं नहीं पता कि चांसलर इलेक्शन करवाएगा या चांसलर गवर्नेंस रिफॉर्म दी कमेटी दी रेकमेंडेशन रिकमेंड एक्सेप्ट करेगा, आज कुछ नहीं पता। खाली साहब मैंने बहुत घट जानकारी सर इस मसले दी, मेरी जानकारी में थोड़ा वाधा करो, चांसलर को सर ये पावर्स है गवर्नर रिफॉर्म्स कमेटी बनाने दी, उन्हां को पावर्स है है? मैं दसदा कि पंजाब यूनिवर्सिटी फंक्शन करती है एक एक्ट के मुताबिक जिहड़ा कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947 है जी, उहदे विच अमेंडमेंट हुंदे रहे हैं। जब तक वो एक्ट कायम है उस वेले चांसलर कुछ नहीं कर सकता। अगर उस एक्ट नूं सेंटर गवर्नमेंट या सेंटर पार्लियामेंट जिहड़ी हैगी है उहनूं अमेंड करदी है या उहनूं सस्पेंड करदी है, नवीं चीज़ां नूं एक्सेप्ट करदी है, उहनां नूं नोटिफाई करदी है, उस वेले तक साडा पुराना कैलेंडर, साडी पुराना एक्ट उसे तरीके दे नाल कायम है। सर गवर्नर रिफॉर्म्स कमेटी गैर संवैधानिक है जां संवैधानिक है सर? देखो चांसलर कोई भी कमेटी कंस्टीट्यूट कर सकता है, इहदे विच कोई शक नहीं है, लेकिन उस कमेटी दी रेकमेंडेशन किस तरीके दे नाल इनकॉर्पोरेट होणगियां ये सेंटर गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है या पार्लियामेंट के उपर डिपेंड करता है कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा एक्ट है उहनूं अमेंड करदी है या उहनूं स्थगित करदी है या उहदी जगह ते नवा एक्ट लैके आउंदी है, इहदे उपर डिपेंड करता है। लेकिन एक होर चीज़ है इहदे विच संघात्मक ढांचे दी भी गल है, क्या पंजाब गवर्नमेंट नूं अपने कॉन्फिडेंस दे विच लै के सारा कुछ किया जाएगा या उसके बिना किया जाएगा, क्या पंजाब गवर्नमेंट उस चीज़ में एग्री करेगी या नहीं करे, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं बाकी भी जो स्टेक होल्डर हैं जिम्मे पोलीटल पार्टीज है पंजाब दी वो भी उन्होंने एक्सैप्ट करने वास्ते तैयार नहीं हो। चलो मैं होर छोटा ब्रेक लूँगा, ब्रेक तो वापस आवेंगे खाली साहब को, मैं टैक्नीकली चीज़ा भी सारिया समझ की कोशिश कर रहा, जोड़ा ये सारा ढांचा हैगा उस ढांचे कितने पंजाब आप तो नहीं छड़ रहा, सवाल यह भी हैगा कि पंजाब की सियासत पंजाब सरकार के नुमाइंदे जिहड़े कि इस दे विच सैनेट दे विच हिस्सेदार भी हुंदे आ जिहड़े सारे स्टेक होल्डर है वो इस मुद्दे ते हौली हौली की बोलणगे कि उन्होंने अंदर खाते हां तां नहीं कर दित्ती, बहुत सारे सवाल है। वापस आ रहे एक और फिर तुहाडा स्वागत करते हैं, डॉक्टर मुहम्मद खालिद साडे नाल ने। खालिद साहब सर सैनेट ते सिंडीकेट नूं खत्म करन दी कोशिश तां नहीं कीती जा रही? नहीं
ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤਾਂ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਗਿਣਤੀ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 93-94 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 47-48 ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਘਟਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਲੈਕਟਡ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੋ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ, 31 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਵੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੀ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਨਾ ਬੋਰਡ ਆਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਨੋਪਸਿਸ, PhD ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਨਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਈ ਫਿਰ ਆਪ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਨੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਨ ਐਂਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਲੈਤੇ ਹੈ ਇਨ ਐਂਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਹੋ, ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ?
देखो मैं मेरी नज़र दे विच कोई इस तरह का केस कदे नहीं आया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जिहड़ी हैगी है वह रूल्स रेगुलेशन दे नाल गवर्न होंदी है। किते कोई परसनल लैवल ते किसे ने कोई इस तरह का काम किया होवे, किसे दे नाल धक्केशाही करन दी कोशिश की होवे, वह तो अलग गल है। लेकिन साडा स्ट्रक्चर इन्ना मजबूत है जिदे नाल किसे भी बंदे दे नाल अगर आप कहो धर्म जाति के आधार पर कोई हेरा फेरी या कोई गलत कर लेगा, वो चीज़ ज़्यादातर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं तुहानू एग्जाम्पल देना जी कि कई बार इस तरह होंदा है, कई बंदे अपनी लाग, क्योंकि खास तौर पर जिहड़ियां प्रमोशन दे विच या होर इस तरह दीआं चीज़ां सामने आ जांदियां, जिन्हां दी प्रमोशन नहीं हुंदियां, कई बार उन्हां नूं लगदा है कि साडे नाल धक्का होया, और कई बार धक्का हुंदा भी है। मैं भी कह रहा, कई बार पिक एंड चूज भी हुंदा है। वाइस चांसलर, कोई भी वाइस चांसलर आवे, उहदे नेड़े तेड़े कुछ बंदे इकट्ठे हो जांदे हैं, वह बंदे फिर वाइस चांसलर नूं गाइड भी करदे हैं, मिसगाइड भी करदे हैं। और अपने जिहड़े हैगे कई बंदे ऐसे हैं जिहड़े कहिंदे साडे कोल कोई ना कोई पोजीशन यूनिवर्सिटी दे विच रहे, उहदे वास्ते वाइस चांसलर दे आले दुआले तुरदे फिरदे रहिंदे हैं, और उह कई जगह ते अगर थोड़ा बहुत पॉसिबल हो फेवर कर भी देंगे, अगेंस्ट भी इस तरह चीज़ा आनी है। लेकिन अगर आप कही कि स्ट्रक्चरली यूनिवर्सिटी के माइनोरिटीज के नाल या वो धक्का होंगे, इस तरह की गल नहीं है। भुपिंदर सिंह के केस बारे कुछ बोलना चाहते हो सर, टिप्पणी करना चाहते हो? मैं पता लग्या है कि उन्होंने जड़ा उन्हों की प्रमोशन की गल जी हैगी है, जी मैंने एक वीडियो भी आई सी, मैनू मैं पूरी तो नहीं सुनी, लेकिन इन्ना जरूर है कि उन्होंने जी प्रमोशन है वो बारे जी कमेटी सी, वो कमेटी दे दिया रेकमेंडेशन है, अगर वो कोई ग्रीवेंसिज है वो यानी कि उन्होंने प्रमोशन उन्होंने ड्यू डेट पर मिलनी सी या नहीं मिल सकी, ग्रीवेंसिज जो है वाइस चांसलर या चांसलर रीप्रजेंट की जा सकती हैं। हाँ, अगर किसी बंदे ने किसी प्रोफेसर ने, क्योंकि धक्का करने वाला भी प्रोफेसर ही होगा अंदरों, कोई इंटरनल सिस्टम दे विचों ही होगा, बाहरों तो आके किसी ने धक्का नहीं करना। अगर किसी बंदे ने इस तरह की गल की है और ये इन्वेस्टिगेशन होंदी है, पता लगता है, उस बंदे के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? वो तो कहते मैं चिट्ठी तक भी लिखती है चांसलर नु भी, ते ठीक है, चांसलर चांसलर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, और क्या चांसलर एम्पावर्ड है, कोई भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, और अगर वो इल्जाम जो है ठीक पाए जाते हैं, जो कल्प्रिट है पर सजा सजा होनी चाहिए। चलो मैं एक होर छोटा ब्रेक लूँगा, ब्रेक तो वापस आऊँगा आखिरी हिस्से में, असं होव कि डॉक्टर मुहम्मद खालिद जिस तरीके ये सारे मुद्दे समझा रहे हैं, ये मुद्दा बड़ा गंभीर हैगा, तो गंभीरता इस पर विचार करने की जरूरत भी हैगी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के नाल पंजाब की सभ्यता, पंजाब का सभ्याचार, पंजाब का समाजिक ढांचा, ये सारा कुछ जुड़िया हुआ, तो जदों इस रूप नूं बदलन की गल जां सरूप विच बदलाव की गल सामने आती है, उदों सियासत भी तपदी है। सियासत आपदे एजेंडे तां सैट कर दी पई, 20 सालां दे विच इस यूनिवर्सिटी दे लई इस सियासत ने की कीता? सवाल तां भी हैगा, सवाल नहीं पुछा जा रहा, पर मैं पुछूंगा जरूर, वापस आ रहा। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स की गल कर रहे हैं, डॉक्टर खालिद साडे नाल मौजूद है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदर कुमार गुजराल, रोमिला थापर, रुचि राम सानी, ये बहुत वड्डे नाम है जिहड़े इत्थों पढ़ के गए, गोविंद खुराना, शंकर दयाल शर्मा, पी सी चैटर्जी, मेरे को बहुत लंबी लिस्ट है जिन्हें बारे मैं जिक्र कर सकता। डॉक्टर खालिद ये हुण सियासत इस पूरे मुद्दे तपी हुई है, आम आदमी पार्टी कहती असं आह करा वो करा, अकाली दल उ धरने ला रहा है, पंजाब सरकार नूं कटहरे च खड़ा किया जा रहा, पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार दे विचाले फ्रेंडली मैच दे इल्जाम लग रहे हैं। मेरा सवाल है खालिद साहब, जे तुसीं जवाब सीधा दे सकते हो, तकरीबन 20 साल दे विच पंजाब दी सत्ता दे उच्चे उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ते प्रकाश सिंह बादल हरां दी सियासत काबज रही है, इन्हां ने 20 सालां दे विच इस यूनिवर्सिटी लई की कीता, जे साफ ते स्पष्ट शब्दां विच दस सकदे हो खालिद साहब? देखो मैं तुहानूं दसदा कि इन्हां 20 सालां दे विच मैं इस यूनिवर्सिटी के 1979 एज ए स्टूडेंट आया सी, 1987 तो मैं इतने टीचर हाँ जी, तो मैं देखदा और सैनेट सिंडीकेट के रहा, तकरीबन हर बॉडी के मैं रहा, पूटा का प्रेजिडेंट भी रहा। तुसीं ये देखो कि पिछले 20 साल के पंजाब गवर्नमेंट की फंडिंग घटी है या पंजाब गवर्नमेंट की फंडिंग के स्टैटिक रही है? अगर पंजाब गवर्नमेंट अपने आप नूं असर्ट कर दी तो पंजाब यूनिवर्सिटी का
ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਸਲੋਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ 32 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਘੱਟਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸੂਈ ਵਗੈਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਐਬਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਏ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਯੈਸ ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਹੀ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਈਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ RSS BJP ਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ਼ੂਲ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ BJP ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਭ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਫੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਫੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਈਡੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟਿਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, NSUI ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ABVP ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ABVP ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ NSUI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੂਸੂ ਸੋਪੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਕਸਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਆ ਕੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫੋਰਮਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਸਤਿਤਵ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫੋਰਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫੋਰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸੈਨੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਨਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਡਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 32-33 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋ।
आपदे तक सीमित हो। जो इंस्टीट्यूशन बचाने की गल आती है जो उदों तुसी आवाज़ नहीं चुकते तो तुसी भी वड्डे गुनहगार। आज लिए ने धन्यवाद।